सॉफ्ट स्मूथ मैनेजेबल एंटी फ्रिज बाल, कितनी अच्छी फीलिंग होती है ना। और कमाल की बात यह है कि विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा नेचुरल क्या बालों में कौन सी ट्रीटमेंट की है जिससे मेरे बाल इतने सॉफ्ट सिल्की स्मूथ और मैनेजेबल हो गए। तो इसीलिए तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। कीप वॉचिंग। Assalamualaikum, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, बहुत खुश होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, फॉर लाइकिंग माई वीडियोज, कॉमेंट करते हैं आप, वीडियोज़ को शेयर करते हैं, सो थैंक यू सो मच। लेकिन अब भी मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं और लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं या कॉमेंट करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वो भी मेरे लिए कर लिया करें, क्योंकि इससे ये होगा कि फिर मेरी जो वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब के उन साथियों तक भी पहुँच सकेंगी जो अब तक इस प्यारी सी YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं बन सके हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरी मेरी YouTube की फैमिली को बढ़ाने में। तो अब यकीनन आप इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर आज मैंने अपने बालों में क्या किया है, ऐसी कौन सी नेचुरल ट्रीटमेंट की है जिससे मेरे बाल इतने सॉफ्ट स्मूथ और सिल्की मैनेजेबल हो गए हैं, फ्रिज खत्म हो गया है बालों का। सबसे बड़ी बात यह एंटी फ्रिज हो गए हैं बाल, क्योंकि वो फ्रिजी जो बाल होते हैं ना, फूले फूले से होते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए हैं, इतने मैनेजेबल हो गए हैं। आज मैंने की है अपने बालों की नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, जो आपके बालों को बगैर नुकसान पहुंचाए आपके बालों को एक सिल्की एक स्मूथ टेक्सचर देगा और बाल आपके इतने मैनेजेबल हो जाएंगे, आप इजीली आप स्टाइल उसको कर सकेंगे बालों को, आपके बाल जो है वो आपको आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी। अब मैं टच कर रही हूँ, इतना मज़ा आ रहा है मुझे, बाल इतने सॉफ्ट हो गए हैं मेरे बाल। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन यानी पहली दफ़ा आप लगाएंगे तो आपको इतनी अच्छी लगेगी ये ट्रीटमेंट, आप सोचेंगे कि इसको तो महीने में एक दफ़ा ज़रूर करना है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अपने उन साथियों को भी बताना चाहूँगी कि केराटिन ट्रीटमेंट होती क्या है। हो सकता है मेरे कुछ साथियों को पता ना हो ये ट्रीटमेंट क्या है, किसको इसकी ज़रूरत होती है, क्यों करवानी चाहिए, इसका रिज़ल्ट कितने टाइम तक बरकरार रहता है, और ये सलोन्स में अगर आप कराते हैं तो कितने एक्सपेंसिव होते हैं। मैं चाहूँगी कि आपको ये नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए ताकि मेरी यूट्यूब की फैमिली अगर इन सारी ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रही है तो उनको पता होना चाहिए इसका फ़ायदा क्या है, और अगर आप सलोन में करवाते हैं तो इनके फ़ायदे और इनका नुकसान क्या है। तो आज जो मैं शेयर करूँगी वो तो नेचुरल ट्रीटमेंट है, उसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सारे हेयर टाइप्स के लोग जो है वो कर सकते हैं, ख़वातीन मर्द हज़रात सब कर सकते हैं अपने बालों को। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ज़रा सॉफ्ट और स्ट्रेट टेक्सचर की तरफ जाएं या सिल्की सिल्की से लगे आपको, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो एक बालों की स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग एक टेक्निक होती है। तो यकीनन पहला सवाल हमारा ये होता है कि इसमें कितनी कॉस्ट आती है। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस ट्रीटमेंट पर 15,000 से लेकर, मतलब कि अच्छे सलोन्स जो मीडियम लेवल से स्टार्ट करें और अच्छे सलोन्स तक, तो 15,000 से तकरीबन 15,000 to 25,000 इसकी कॉस्ट आती है। अच्छा, अब ये लास्ट कितना करती है ट्रीटमेंट, ये लास्ट करेगी आपसे आपकी 2 से 3 महीने, मैक्सिमम आप उसको खींचे तो 4 महीने, थोड़े थोड़े बाल आपके सॉफ्ट रहेंगे 4 महीने, तो नॉर्मली 2 से 3 महीने तक ये लास्ट करती है ट्रीटमेंट। इससे होता क्या है, पहले तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको इंस्टेंटली आपके बाल स्मूथ सिल्की स्ट्रेट टेक्सचर हो जाएगा आपके बालों का। लेकिन पहले तो आपके बालों को वॉश किया जाएगा एक ऐसे शैम्पू के साथ जो बहुत ही आपके बालों को रफ़ कर देगा, उसके क्यूटिकल्स को ओपन करेगा, फाड़ देगा क्यूटिकल्स को, ताकि वो पोरस हो जाएं, यानी कि जो एब्जॉर्ब कर सकें, बिल्कुल खुरदरे से हो जाएं, ताकि वो प्रोटीन ट्रीटमेंट को एब्जॉर्ब कर सकें। उसके बाद आपके बालों पर एक्सट्रीम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की क्रीम लगाई जाएगी और वो आपके स्ट्रैंड्स बालों को लेके और लगाई जाएगी छोटे छोटे बालों को, और उसके बाद वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि दिमाग तक आ जाती है स्मेल, और उसके जो है वो बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है उससे, कुछ लोगों की स्कैल्प की इरिटेशन हो सकती है, तो बहुत सारे वो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सारे बालों को लगाने के बाद आपके एक एक छोटी छोटी जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना बालों की, लट लेके उसको आयरन किया जाता है, फ्लैट आयरन से मीन्स के स्ट्रेट किया जाता है, और
एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, बल्कि 10-10 दफा किया जाता है बालों को। जो पोस्ट केयर होती है वो उससे भी महंगी होती है, वो उससे भी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको सर्टन केमिकल, सर्टन प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं लगानी होती हैं। आप उसके बाद अपने बालों को कभी कर्ल करना चाहें नहीं कर सकते। आप अपने बालों को जो है वो खास किस्म के शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पूज और कंडीशनर वो लगाने के लिए कहा जाएगा। जब आपके बालों का असर वो खत्म हो जाता है तो वो आपके बाल और भी ज्यादा रफ हो जाते हैं, फिर आपको मजबूरन फिर करवानी पड़ती है वो ट्रीटमेंट। इस तरह से करवाते करवाते आपके बालों का हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसलिए मैं अपने बालों की नेचुरल ट्रीटमेंट करती हूँ, नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट करती हूँ, ताकि मैं इन सारे नुकसान से बच जाऊँ। और आज मैं अपने YouTube की प्यारी प्यारी फैमिली को भी यही ट्रीटमेंट सजेस्ट करूँगी कि आप करें। पहली एप्लीकेशन के बाद आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे। हाँ, ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ये ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने तक इस तरह से लास्ट नहीं करती है। आपको महीने में एक दफ़ा ज़रूर करनी पड़ेगी ये ट्रीटमेंट। और दूसरा ये कि एकदम से जो सलोन्स में जो करवाते हैं वो केमिकल्स आपके बालों को लगती है तो वो बहुत स्ट्रेट, डेड स्ट्रेट एक लुक देती है। इससे आपके बाल एकदम से आप एक एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि फ़ौरन से डेड स्ट्रेट हो जाएंगे। हाँ, आपके बाल ज़्यादा कर्ली हैं तो वो थोड़े लूज होंगे कर्ल, आपके बाल वेवी हैं तो वेव उनका ख़त्म होगा, आपके बाल स्ट्रेट हैं, हल्के हल्के से वेव हैं तो वो थोड़े स्ट्रेट मजीद हो जाएंगे। तो बहुत चेंज आता है बालों में और बहुत बाल बहुत मैनेजेबल स्मूथ हो जाते हैं। देख लीजिए कि मैं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अब जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ उन सब में प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा प्रोटीन जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अच्छा बनाता है, स्मूथ बनाता है, हमारे बालों से फ्रिज ख़त्म करेगा। सबसे पहले मैंने लिया है फ्लैक्सीड, 2 टेबल स्पून अलसी का बीज, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, हमारे बालों के लिए सुपर फूड। उसके अलावा मैंने इसमें यूज़ किया है मेथी दाना यानी फेनिग्रिक सीड, वो भी 2 टेबल स्पून, जिसमें अगेन प्रोटीन पाया जाता है। उसके साथ एक और सुपर फूड बालों के लिए, वो है चिया सीड यानी कि तुखवलंगा, उसके 2 टेबल स्पून मैंने ले लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को एक सॉस पैन में डालिए, 1/2 लीटर इसमें पानी ऐड कीजिए और उसको इतना पकाइए हल्की हल्की आंच पर। तो जब इसमें उबाल आए, आप देखें इसको कि ये इसमें जेल जो है वो लेस बनती जा रही है इसमें थिक थिक सी, तो फिर आपने उसके अंदर ऐड करना है एक और अगेन ऐसा इंग्रेडिएंट जो फुल ऑफ प्रोटीन है, और वो है जेलेटिन। हलाल जेलेटिन बहुत इजीली अवेलेबल है, हलाल जेलेटिन ले लीजिए, जेल बनाया है उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और मिलाते जाएं ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने, और पकाना है ताकि ये जेलेटिन इसके साथ ऐड शामिल होके और उसको थिक सा एक जेल बनाते हैं। किसी भी स्ट्रेनर में, किसी भी छलनी में ये छान सकते हैं आप उसको। तो मलमल का कपड़ा लीजिए, उसमें डालकर अच्छी तरह से उसको उसका जेल निकाल दीजिए। सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन होते हैं हमारे बालों के लिए, वो जब एक साथ जब उनकी जो मिलते हैं ना, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो और भी ज़्यादा हमारे बालों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। आपने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया, जब ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो जाए, अजीब किस्म की इसकी टेक्स्चर होता है जो बालों में नहीं लगता है डायरेक्टली, तो इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम ब्लेंड करेंगे और इसके अंदर ब्लेंड करने के साथ ही हम इसके अंदर अंडा जो है वो आपने अंडे का जो सफ़ेद पार्ट है, एग वाइट जो होता है वो आपने लेना है, एग योक नहीं लेना। अगर आप अंडा यूज़ नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अंडे की सफ़ेदी में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो एक अंडे की सफ़ेदी भी इसमें ऐड करना है, अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है उसको। तो ये आपने एक बॉटल में भर लेना है, मेरे पास कोम वाली बॉटल है, नोज़ल वाली, आप किसी भी बॉटल में भर लें जिसमें एक छोटा सा नोज़ल हो, जिससे ईजिली आप एप्लीकेशन हो सके उसकी। अब इसको लगाना कैसे है, ये भी एक डिफरेंट तरीका है लगाना। आप ऐसे बालों में नहीं लगा सकते, ड्राई बालों में आपको बालों को शैम्पू करना पड़ेगा उसी दिन जिस दिन आपको ये लगाना है। शैम्पू करने के बाद आपको बालों को हाफ ड्राई कर लेना है, आधे जब ड्राई हो जाएं, आधा मॉइस्चर रहे, हल्के हल्के गीले रहें, तो अच्छी तरह से आपने कंघी कर ली, मेक श्योर कि आपके बालों में कोई टेंगल ना हो, बिल्कुल सुलझे हुए बाल हों आपके। फिर आपने एक छोटी छोटी सी लटे लेनी है और उसको आपने जेल लगाना है, ये केराटिन, और उसके बाद आपने हाथों से पहले इसको स्मूथ करनी है इसके क्यूटिकल्स, फिर आपने कंघी करनी है, इसको कोम करनी है। आप मोटे टीथ वाली कोम भी ले सकते हैं, लेकिन पतले टीथ वाली कोम से भी करना है ताकि बाल एकदम से स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी लटें लेते हुए आपने जेल लगाया, उसको हाथों से पहले स्मूथ किया, फिर आपने मोटी कोम की, फिर पतले वाली कोम की, और बालों को स्मूथ कर लिया। इस तरह से सारे बालों के थोड़ी थोड़ी सी लटें लेकर सबको लगा लेना है, स्पेशली आपको एंड्स जो होते हैं ना, स्प्लिट एंड्स, उन पर ज़रूर लगाना है, अच्छी तरह से उनको कंघी करनी है। फिर आपने अपने बालों को, मैं क्या करती हूँ, अगेन मेरा स्टीमर वाला बहुत अच्छा तरीका है और उससे मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब होता है, तो अगर ये बहुत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी स्टीमर का,
अगर आप ले सकें तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स में आपको ये काम आएगा। मैं तो इससे कपड़े भी आयरन करती हूँ और इससे मैं अपने जो पर्दे होते हैं उनको भी, जो ब्लाइंड्स होती हैं रोमन ब्लाइंड्स उनको भी मैं आयरन कर रही होती हूँ, अपने बालों के लिए भी यूज़ करती हूँ, अपने फेस के लिए भी यूज़ करती हूँ, ऑल इन वन ये स्टीमर इतना ज़बरदस्त स्टीमर है। तो एक ले लीजिए, आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए तो मंडस करेगा ये। अच्छा, बहरहाल अगर नहीं है आपके पास कोई मसला नहीं है, आपने एक गर्म पानी से तौलिया निचोड़ा, अपने बालों पे रख दिया 10 मिनट के लिए ताकि वो गर्म गर्म जब तक हो, उसके बाद फिर आप हटा के और हल्का सा बालों को बांध दीजिए, कोई शावर कैप पहन लीजिए और फिर ये जेल आपके बालों में रहना चाहिए 1/2 घंटे से 1 घंटे तक एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस बालों को धो लेंगे, लेकिन शैम्पू से नहीं धोएंगे, सिर्फ पानी से। जी, शैम्पू आपने कर लिया है बालों को, बाल आपके साफ़ हैं, अब ये आपके आपकी बालों की एक स्मूदनिंग ट्रीटमेंट है समझे, और स्ट्रेटनिंग और स्मूदनिंग ट्रीटमेंट। तो आपने फिर बालों को सारे रिंस कर लिया, पानी से धो लिया, सारे बाल बालों से ये निकल गया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कंडीशनर ज़रूर लगाना है बालों को। कंडीशनर लिया हाथों में, रूट्स पे नहीं, सिर्फ बालों में आपने कंडीशनर लगाया, 5 मिनट तक छोड़ दीजिए बालों को, फिर आपने ठंडे पानी से बालों को धो लिया ताकि वो सारे जो ट्रीटमेंट है वो लॉक हो जाए आपके बालों के अंदर, क्यूटिकल्स बंद, अंदर उसको शाइन दे दें। उसके बाद आप देखिएगा कि आपने बालों को जब ड्राई किया, चाहे आप एयर ड्राई करें, फिंगर्स से ड्राई करें, मैंने तो हेयर ड्रायर को जो है वो मीडियम सेटिंग पे रखे, हीट पे नहीं, मीडियम पे, और मैंने ब्रश से बस पैडल ब्रश से मैं करती गई और बालों का देखें इस तरह से ऐसे स्ट्रेट हो गए हैं बाल, मेरे बिल्कुल स्ट्रेट टेक्स्चर हो जाता है मेरे बालों का। तो अगर आपके बालों का वैसे ही स्ट्रेट टेक्स्चर है तो ऐसे ही डेड स्ट्रेट हो जाएंगे। कर्ली बाल हैं तो कर्ल्स लूज हो जाएंगे, वेवी हैं तो वेव खुल उसका स्ट्रेट हो जाएगा, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे बाल आपके, कोई सा भी टेक्सचर हो, सारे टेक्सचर बहुत खूबसूरत होते हैं बालों के, लेकिन वो स्मूथ हो जाएंगे, शाइन करेंगे आपके बाल, आपके बालों को पहली एप्लीकेशन के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। तो ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये ट्रीटमेंट कैसी लगी। साथ साथ नींद पूरी करनी है, पानी का इंटेक भी पूरा पूरा करना है ताकि इंटरनली भी आपके बालों को वो एक फूड मिले, हाइड्रेटेड रहें आपके बाल, आपके बालों में वेट रहे, आपके बाल उड़े उड़े से बेजान ना रहें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलूंगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कीजिए ताकि आप हर मेरी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।